हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं। ये काफ़ी समय से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और इनको ये लगता है कि आप कहाँ बिजी हो गए, जो अब इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर इनको ये भी शक है गाइस कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है जिसके साथ आप बिज़ी हैं, इस वजह से इनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, अभी से नहीं, लंबे समय से ये अभी चला आ रहा है। कह दीजिए तो 2 महीने 4 महीने भी हो सकते हैं कि इनकी नज़र आप पर है। और अभी इनका ऐसा हाल है गाइस कि ये काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यही पता लगाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपकी, हो सकता है आपने एक दायरा बना लिया है कि इनको अंदर नहीं आने देना है, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने हर साइड से इनको ब्लॉक कर दिया, हो सकता है हर तरह से इनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया और बिल्कुल दूरी बना ली है। और एक दायरा बना रखा है आपने कि अब इस दायरे के अंदर इस इंसान को नहीं आने देना है। जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बाद ही आपने फैसला लिया है। और ये इंसान अब परेशान हो रहे हैं कि आखिर आप इतना कैसे बदल गए। कल तक जो इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, आज इनके बिना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। और इनको बस यही लग रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ गया, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। और यहाँ पर ये इनको यही लगता है कि चाहकर भी अब आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ऐसा इनको लगता है। अब आपके पर्सन को डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे हमेशा के लिए। उनको यही लग रहा है कि आप उनके हाथ से अब निकल चुके हैं और शायद अब ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, या अब आप इनको कोई मौका देने वाले नहीं हैं। और जो इनको डर लग रहा है गाइस, इसकी वजह ये हो सकती है कि आपने कुछ ऐसी, या तो फिर डीपी वगैरह रख ली, अगर ब्लॉक नहीं किया तो ऐसी कुछ डीपी वगैरह रख ली, या फिर ऐसा कुछ स्टेटस वगैरह या कुछ भी आपने ऐसा शो किया है जिससे इनको यही डर लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब आप इनके हाथ से निकल रहे हैं। और नहीं तो फिर ये हो सकता है कि आपने हर साइड से इनको ब्लॉक कर रखा है और किसी तरह से आप तक अब नहीं पहुंच सकते। तो ये जो दायरा आपने बना दिया, इसकी वजह से भी ये इंसान डर रहा है कि कल तक जो इंसान पीछे भाग रहा था मेरे, आज वो एकदम से कैसे रुक गया। तो जो आप में ये बदलाव आया है, इसको देखकर ये इंसान अब डर रहा है आपको खोने से। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस अब दिखाई दे रहे हैं और वही है कि आपके बारे में जानने की इतनी ज़्यादा इच्छा है कि इस इंसान का मन अब काम में भी नहीं लग रहा है। पूरा ध्यान इनका आप पर रहता है कि कहीं से कुछ पता चल जाए आपके बारे में कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ये इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं गाइस कि अभी हो सकता है हाल फिलहाल में इन्होंने किसी ज्योतिषी वगैरह से भी संपर्क किया है, या टैरो रीडर वगैरह से इन्होंने संपर्क किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल ऐसा है कि सारे रास्ते जो बंद कर दिए इनके लिए, इससे इतने ज़्यादा ये परेशान हुए हैं कि इन्होंने कोई टैरो रीडर वगैरह या ज्योतिषी वगैरह से संपर्क किया है आपके बारे में जानने के लिए। और ये वही है, उनके उनसे जानना चाह रहे हैं कि ये रिश्ते में आगे कुछ हो पाएगा या नहीं, या रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो ये सब जानने के लिए इन्होंने संपर्क किया है। और अभी आपके पर्सन का वही है गाइस कि बहुत ज़्यादा बेचैन है, किसी तरह से आपसे बात हो जाए, किसी तरह से आपको एक बार देख लें, ऐसी अभी इनकी इच्छा है। अब इतना सब सुनकर अब आप लोग कॉल मैसेज करने मत लग जाना, जो करना है उन्हीं को करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, तभी सब कुछ सही हो पाएगा। आपके पर्सन वही है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि बस अब सब खत्म ही हो गया है। कल तक जो इन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपसे दूर भागते रहे, अब उसी का पछतावा इनको हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, जब उस समय इनके पास मौका था, आप इनकी इनके लिए प्रयास कर रहे थे इनसे बात करने का, तो उस समय इन्होंने ऐसा है कि दिमाग लगाया नहीं, आपसे दूर भाग रहे थे। और यहाँ ईगो भी
इनका ऐसा है कि ये ईगोइस्टिक भी हैं, तो इसकी वजह से भी ये अहंकार में आकर आपसे दूर भाग रहे थे। इनका यही था कि आप कहाँ जाओगे, आप तो इनके पीछे हमेशा से भागते रहे हो, अभी भी वही करोगे। अब ये जितना चाहे आपको परेशान कर लें, आप कहीं जाने वाले नहीं हो, इनके दिमाग में यही बात थी। और अचानक जो आपने अपने आप में बदलाव लाया कि बिल्कुल खुद भी दूरी बना ली इनसे, जितना भागना है भाग लो, अब हम तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे, तो यहाँ पर अब ये इंसान घबरा रहा है, क्योंकि ये तो रिश्ते को तोड़ना चाहता नहीं था, बस ये परेशान किसी तरह से करते रहते थे आपको, वही घमंड में आकर कि आप कहाँ जाओगे। लेकिन अब ऐसा है कि जब आपने अपना रवैया बदला, तो अब ये आपको खोने से डर रहे हैं। इसलिए क्या है कि 100 उपाय कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बारे में इनको पता चले, किसी तरह से आपसे बात हो जाए, किसी तरह से आपको देख लें। अब 100 उपाय इनके चल रहे हैं, और जो पास्ट में किया, आपसे जो दूर भागे हैं, उसके लिए अब पछता रहे हैं। और हो सकता है गाइस के भी हाल फिलहाल में ही या फिर कुछ समय से ही ऐसा चल रहा होगा, बहुत सारी परेशानियों में इंसान गिर गया, बहुत कुछ अकेले संघर्ष कह दीजिए तो इन्होंने किया है, और यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, इनको कोई साथ देने वाला नहीं है। अब ये भी एक कारण है जो इनका पूरा ध्यान आप ही की तरफ है, क्योंकि आपने तो हमेशा से इनका साथ दिया, चाहे ये सुख में रहे या दुख में रहे, आप कभी इनको छोड़कर नहीं भागे हो। और जो अभी जिन लोगों के साथ हैं, वहाँ कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, इसलिए भी ये इंसान किसी तरह से क्या है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये पता लगा रहे हैं कि भाई अब आपके दिल और दिमाग में क्या है, या आप अब ऐसा है कि इनके लिए इंतज़ार कर भी रहे हैं या नहीं, इनका वेट कर भी रहे हैं या नहीं, तो यही सब पता लगाने के लिए इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके जैसा कोई इंसान इनके साथ है नहीं, और इनको है सहारे की ज़रूरत। और रह रहकर एक ही बात इनके दिमाग में आ रही है गाइस, कि आप शायद किसी और के हो चुके हैं और इन्होंने बहुत देर कर दी। अब ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं किसी तरह से आपसे बातचीत शुरू करें, आपको बताएं भाई कि इनके साथ क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर ये भी बताएं कि इनको आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। तो ये किसी तरह से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच जो भी हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों अलग भी हुए हैं, तो यहाँ अब बातचीत करके उस मसले को ये हल करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि बस उसी को लेकर बैठे रहें और ये रिश्ता इसी तरह से अटका रहे, वो आपके बिना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अब इसीलिए वो चाहते हैं कि बस यहाँ बातचीत करके जो भी है समझौता कर लिया जाए, और पुरानी बातों को भूलकर अब एक साथ आगे बढ़ना है। और देखिए, अभी ये इंसान तो कह दीजिए काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, और आपकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ इनको दिख रही हैं, अभी कहीं पर भी बुराइयाँ देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं, पर वही है कि आपको खोने का डर भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। अब देखिए, आपने खुद पर काम किया तो वह परिवर्तन तो आपके पर्सन में आया है, इसीलिए कहा जाता है कि बस पहले अपने आप को रखिए, बाकी दुनिया बाद में है। आप पहले खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, तभी आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, और अभी वही हो रहा है। जब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे, तब तक तो ये आपसे दूर भाग रहे थे, और आज ऐसा हाल है इनका कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से आपको हासिल करना है, यह इनके दिमाग में चल रहा है। तो इसीलिए खुद पर काम करना ज़रूरी है, दूसरों के पीछे भागना बेकार है। अभी इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी लाइफ में, वो आपके साथ रहते ही हासिल किया है, उसके बाद तो इनकी लाइफ में कुछ भी सही रहा नहीं है जब से आप अलग हुए हैं। तो इनको ये समझ में आता है कि आपके साथ रहकर जब इन्होंने पास में बहुत अच्छा समय बिताया, जो चाहते रहे, इनका हर सपना पूरा हुआ है, तो आगे भी ऐसा ही होगा, तो आप जैसे इंसान को क्यों जाने देना अपनी लाइफ से। आपको रोक कर रखना है, अपनी लाइफ में बना कर रखना है, तो आपके साथ इनकी भी लाइफ अच्छी रहेगी। और ऐसा है कि आपको ये देखिए एक एंजल की तरह देखते हैं, आपके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, और वही है कि इनके सपने भी पूरे हुए, जो चाहते थे आसानी से मिल जाता था। तो यहाँ पर इस वजह से भी ये इंसान नहीं आपको जाने देना चाहते, वो चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहें और हमेशा इनके साथ रहें, छोड़कर इनको आप ना जाएं। और यही है कि बार बार इनके दिमाग में चल रहा है कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया जिसकी वजह से आप इतने बदल गए हैं। तो ये डर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन में है, और इसीलिए सब कि ये ऐसा है कि सब कुछ आपसे बात करके और मसले को हल करना चाह रहे हैं, और ये जानना भी चाहते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आया है। तो ये आपसे इसीलिए बात करना चाह रहे हैं, इनको सब सवालों के जवाब आपसे चाहिए, और आपको जो आपके मन में जो भी सवाल हैं वो उसका जवाब देने को तैयार हैं। पर किसी भी तरह ये यही चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते को आगे लेकर जाएँ, इनको छोड़कर आप आगे ना बढ़ें।
देखिए यहाँ पर पैसों वगैरह का तो कोई लालच दिखाई नहीं दे रहा कि पैसों वगैरह से आपसे मदद चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं और आपके जैसा कोई इंसान इनकी लाइफ में ना था ना होगा, ये इस चीज़ को समझते हैं, बस इसीलिए आपका साथ चाहिए, बाकी कोई लालच यहाँ पर नहीं है। देखिए ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत भी तो नहीं है। जो करके गए हैं उसके बाद हिम्मत जुटा पाना भी मुश्किल है इन, क्योंकि इनको अपनी सारी गलतियाँ याद हैं, सब कुछ इनको समझ में आ गया है कि जो कुछ हुआ इन्हीं की तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो इनकी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, कोई काम आपके बिना बन भी नहीं रहा है इनका, और कोई साथ देने वाला तो है नहीं। तो हिम्मत जुटा रहे हैं लेकिन डरते बहुत हैं, आपके गुस्से से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए आपकी तरफ बढ़ने को तो तैयार ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं और आप कहीं इनको एक्सेप्ट नहीं करें तो दूसरी तरफ से भी ये ऐसा है कि जहाँ पर अभी हैं उन लोगों का विरोध करना होगा इनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तो ये वहाँ से भी निकल जाएंगे और आप भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे, इनको ये भी लगता है। और दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि कहीं अगर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इनको पता चलता है कि भाई आपकी लाइफ में तो कोई और आ गया है तो फिर तो पूरा ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ना वो यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए ये क्या है, आपकी तरफ बढ़ने से पहले इनके दिमाग में सवाल भी चल रहे हैं, बहुत कुछ ये सोच रहे हैं कि अगर ये बढ़ेंगे तो किसी तरह से इनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तब तो सब बढ़िया है, और नहीं किए तो उसके बारे में फिर ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, और कहीं आपको कोई और मिल गया होगा तो क्या होगा, फिर आपकी तरफ तो बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, बस इनकी इंसल्ट होगी, ये इनको लगता है। और अब ये आएंगे आपकी तरफ गाइस तो देखिए आपको कमिटमेंट वगैरह भी मिल जाएगा इनसे, क्योंकि पूरी तरह से इनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि बस आपका साथ इनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह भी आपको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही है कि इनकी इनमें हिम्मत की कमी है। अब हिम्मत भी आएगी इनमें क्योंकि देखिए जब यूनिवर्स इतना कुछ करवा रहे हैं, जो इंसान कल तक दूर भाग रहा था आज वो आपके पीछे भाग रहा है, आपको चेस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, तो हिम्मत भी वही देंगे, आपको प्रे करना चाहिए। और यूनिवर्स ही सब कुछ सही कर रहे हैं तो आगे भी वही सब कुछ ठीक करेंगे, कमिटमेंट भी आपको वही दिलवाएंगे। जब रास्ता बना रहे हैं, इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ ला दिए हैं तो आगे का काम भी तो वही करेंगे, तो आपको तो उनसे प्रे करना चाहिए कि आपके पर्सन को इतनी हिम्मत दें कि वो आपकी तरफ बढ़ सकें, आपके लिए एक्शन ले सकें बिना डरे। और अभी तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर, अब पहले वाली एनर्जी तो इनकी है नहीं, ये सीरियस हैं आपके लिए, इसीलिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बस वही है कि थोड़ा सा डर है इनमें, लेकिन यूनिवर्स सब सही करेंगे क्योंकि ऊपर वाले से बढ़कर कुछ भी नहीं, आपका प्रयास कोई काम नहीं आएगा जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, और ऊपर वाला चाह रहा है इसीलिए रास्ता बन रहा है। और आपका भी ध्यान देखिए यूनिवर्स ने ही वहाँ से हटाया है, नहीं तो आप तो पहले उन्हीं के पीछे भाग रहे थे, आज खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को स्ट्रांग बना लिया, तो सब कुछ ऊपर वाला ही कर रहा है क्योंकि आप दोनों को एक करना है किसी तरह से, वो खुद आपको अलग नहीं करना चाहते, लेकिन ये कुछ टाइम की जो दूरी है इसमें आप में भी आपने भी बहुत कुछ सीखा, आपके पर्सन ने भी बहुत कुछ सीखा, तो बस आप दोनों को लेसन मिलना था इसलिए अलग भी हुए हैं। और आपने अब ये भी सीख लिया कि दूसरों से ज़्यादा खुद को महत्व देना है, अपने ऊपर पहले ध्यान देना है, किसी के पीछे भागना नहीं है, सब कुछ आप दोनों ने सीखा, वो भी सीख गए कि आप उनके लिए क्या हैं, पहले तो वो भी आपकी कदर नहीं करते थे, आज वो इंसान आपके पीछे भाग रहा है, तो सब कुछ ये है कि यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, आगे भी होगा। आप उनसे कहिए कि आपके पर्सन को इतनी हिम्मत दें कि वो आपके लिए बिना डरे एक्शन ले सकें। अभी बस वही है कि इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है आपकी तरफ बढ़ने का, बस वो जो थोड़ा सा डर है ये निकला और ये आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। और ये जो आपके पर्सन में परिवर्तन आया है गाइस, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा किया था उन लोगों से तो धोखा मिल चुका है, जो इनके आसपास हैं जिनके साथ ये हैं उनसे धोखा मिल चुका है, अब आखिरी उम्मीद आप ही हो, आप इनको आप ही से उम्मीद है कि आप इनका साथ दोगे, उन लोगों की तरह आप नहीं हो। तो अभी तो आपके पर्सन का यही है गाइस कि ये आपसे एक मौका चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको एक बार अभी मौका दे दें और ये रिश्ते को सही करेंगे, और ये अब इस बार कोई भी गलती करने वाले नहीं हैं, कभी अब आपको हर्ट नहीं करेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी ही है, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।